पैसों का इंटर करना, लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा आप इस पिक को इस पिक में चेंज कर सकते हैं। जी हाँ, मैंने जो अपना सनग्लास फीका था पहले, फिर मैंने इसको रेड वाले में कन्वर्ट किया है। बहुत ही आसान है, स्नैपशीट की मदद से आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको ये रेड वाला फ्रेम डाउन करना पड़ेगा, फ्रेम का मतलब एक पिक डाउन करना पड़ेगा। आप चाहे तो ग्रीन या फिर ब्लू आपके मन मुताबिक आप डाउन कर सकते हैं। उसके बाद चले मैं आपको ले चलता हूँ, दिखाता है। आप देखेंगे वो पिक मैंने वॉलपेपर पर रखा है, तो आप सबसे पहले स्नैपशीट ओपन कीजिए, फिर वो पिक जो आप सनग्लास पहन कर लिए थे वो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं, और ओपन करके आप उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए, मेरे पास मैंने यहाँ पर सेव किया है, देखेंगे आप, ये देख सकते हैं बहुत ही फीका है। मेरा सनग्लास कुछ इस तरह से ब्लू टाइप का है, तो आप देखेंगे सामने सनग्लास पे मेरा रिफ्लेक्शन आ रहा है, मेरा दोस्त का जो फोटो खींच रहा था। स्नैपशीट के आपको जहाँ पर टूल्स है, आप टूल्स पर क्लिक कीजिए, जैसे मेरा बॉटम पर है तो नीचे है यहाँ पर डबल एक्सपोज करके एक ऑप्शन है, आप यहाँ पर क्लिक कर दे, फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर गैलरी का ऑप्शन है, आप यहाँ पर क्लिक कर दे, फिर वो जो फ्रेम आपने डाउनलोड किए थे जो रेड या फिर ग्रीन, तो चलिए मैं आपको रेड वाले में ही दिखाता हूँ। तो आप रेड वाले पर क्लिक कर दीजिए, फिर उसके बाद आप छोटा कर ले अगर आपको जिस साइज़ में चाहिए, फिर आप देखेंगे यहाँ पर एक वाटर का ऑप्शन है, आप इसको पूरा इनेबल कर दे, उसके बाद क्लिक कर दे। उसके बाद आपको उस ऊपर वाले ऑप्शन पर व्यू एडिट्स पर क्लिक करना पड़ेगा, फिर आपको ऐप पर फिर से क्लिक करना पड़ेगा, फिर आपको एडिट पर क्लिक करना पड़ेगा, बीच वाला जो ऑप्शन था। उसके बाद आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं किस तरह से आप एडिट करना चाहेंगे। आप 100% करके रखिए और उसको ऑफ करके रखिए, जी हाँ इसको ऑफ करके रखिए, ताकि आपका सिर्फ पीक ही दिखे। फिर आप यहाँ पर ड्रॉ करिए, आप देख ध्यान में रखिए कि 100% हो, जी हाँ 100% होना चाहिए। फिर चलिए मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ। इस तरह से आप पूरा एकदम ध्यान से कर लीजिएगा, ताकि कोई भी शक न कर सके कि ये फेक है या फिर कुछ है। आप चाहे तो इसको 0% करके इसको मिटा भी सकते हैं, जी हाँ ये देख सकते हैं आप इस तरह से मिटा सकते हैं, बारीकी से आप ध्यान से कर लीजिए ताकि कोई भी शक ना हो। आप चाहे तो कोई और भी फ्रेम यूज़ कर सकते हैं, मैंने रेड वाला यूज़ किया। तो देखा दोस्तों कितना आसान था, आप इसको सेव कर लीजिए फिर एंजॉय कीजिए। धन्यवाद दोस्तों आपको पूरा वीडियो देखने के लिए।